ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 17 मई से 23 मई 2021 का। ये सप्ताह कैसे प्रभाव देगा उसके बारे में बात करूंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपकी अंत देखिएगा। और साथ में आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। और ये राशिफल बताने के पहले मैं आप लोगों को जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसके बारे में बता दूं। इस महीने में कुछ राशि परिवर्तन भी होंगे, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज हो रहा है वो सूर्य 14 तारीख को मेष से निकल करके वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस महीने में जो सबसे मजबूत राशि रहेगी, जहाँ पे सबसे ज्यादा प्लैनेट्स रहेंगे, वो वृषभ राशि होगी। उसमें सूर्य, शुक्र, राहु और बुध चार ग्रह वहां पर एक साथ बैठे रहेंगे। तो जो पृथ्वी तत्व की पहली राशि वृषभ है, बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो धन से संबंधित चीजें देखने को मिलेंगे इस टाइम पर। मकर जो है शनि की राशि है, वहां पर शनि खुद बैठे हुए हैं। गुरु कुंभ की राशि में है, केतु वृश्चिक में, और मंगल का जो ट्रांजिट चल रहा है मिथुन राशि में है। तो ये ग्रहों की स्थिति है और पंचांग जो इस सप्ताह में रहने वाला है। तो राशि जो होगी वो कर्क होगी, तिथि शुक्ल पक्ष की पंचमी रहेगी। नक्षत्र पुनर्वसु का चौथा चरण रहेगा, गुरु के नक्षत्र से प्रारंभ हुआ सप्ताह। योग गण रहेगा और करण वालों रहेगा, ये पंचांग की स्थिति है। ये सारे मिल करके ग्रह नक्षत्र और जो पंचांग है कैसे आपके आने वाले सप्ताह को प्रभावित करेंगे, तो इस वीडियो में आप लोगों को मेष से लेकर के जो कन्या लग्न राशि वाले ही वाले लोग हैं उनके लिए बताऊंगी। और वीडियो को आप अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखा करेंगे, उससे आपको परिणाम जो है काफी सटीक होकर पता चल पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, थोड़ा आपको सावधानी बरतनी रहेगी। परिवार के अंदर कुछ वाद विवाद, अनावश्यक तनावपूर्ण स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने खुद की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हालांकि जो कार्य क्षेत्र रहेगा उसमें आपको वृद्धि के योग दिखाई पड़ेंगे। मेष लग्न राशि वालों के लिए सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा, वहां की चीजें आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेंगी। धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे, जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह है उनसे आपको कुछ लाभ के योग निर्मित होंगे। संतान, शिक्षा, इन सारी चीजों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसमें आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। इसी के बाद जो सप्ताह का आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर कुछ वाद विवाद वगैरह होंगे तो वो आपके पक्ष में जा सकते हैं। अनावश्यक आप खुद बढ़कर के किसी से नहीं विवाद करिएगा, वो ठीक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कुछ तकलीफें होंगी तो उसमें आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। ओवरऑल जो स्थितियां बन रही हैं मेष वालों के लिए, कहीं ना कहीं से आपके लिए धन प्राप्ति से संबंधित जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगे। और संतान से संबंधित जो शुभता वाली चीजें हैं, चाहे वो उनके एजुकेशन की चीज हो या उनके करियर वगैरह को लेकर के, उन सारे क्षेत्रों में आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है आने वाले सप्ताह में। कार्य क्षेत्र जो रहेगा वहाँ पे आपके बराबर प्रोग्रेस के योग बने हुए हैं। फिर विषय वालों के लिए बात करते हैं, तो जो सप्ताह का प्रारंभ होगा आपके लिए शुभता के साथ में प्रारंभ हो रहा है। कुछ यात्राएं वगैरह भी आप प्लान कर सकते हैं, छिटपुट जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली हो सकती है। जो आपके सिबलिंग्स हैं उनके साथ में संबंध में आपको मजबूती देखने को मिलेगी। जो लोग किसी भी तरह के टूर ट्रेवल्स और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, उनके उनको अपने कार्य क्षेत्र में, हालांकि अभी सारी चीजें बंधी हुई हैं, पैक हैं, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपकी आय में वृद्धि के योग निर्मित होंगे। भाग्य, पिता, संतान, इन सारी चीजों से संबंधित जो रिजल्ट होंगे वो आपके पक्ष में जाने के योग निर्मित होंगे। शुरुआत आपके लिए काफी अच्छी हो रही है। मध्य पीरियड में थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा उसके लिए टाइम पीरियड उतना अच्छा नहीं रहेगा। परिवार के अंदरूनी वातावरण के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल होकर के रहिएगा। वाद विवाद, कलह, अनावश्यक डिस्प्यूट, ये सारी चीजें फैमिली के अंदर क्रिएट हो सकती हैं, तो सजग होकर रहने की जरूरत रहेगी। मदर के हेल्थ का ध्यान रखिएगा, सन के हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हालांकि कार्य क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा, जॉब वगैरह में उतनी दिक्कत नहीं है। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए कुल मिलाकर के शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। आपकी क्रिएटिविटी में काफी इंप्रूवमेंट रहेगा। जो लोग किसी भी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ करके कार्य कर सकते करते हैं, या किसी तरह के क्रिएटिव फील्ड से, काउंसिल से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए वीकेंड काफी अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति के योग वगैरह आपके लिए निर्मित होंगे, तो अच्छा गोचर है आप लोगों के लिए ओवरऑल। साथ ही साथ ये चीज और भी रहेगी वृषभ वालों के लिए, कि ये जो आने वाला सप्ताह है आपके लिए, आपकी फैमिली के अंदर जहाँ पे आप रहते हैं, किसी तरह की एक वृद्धि जैसे योग आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी कुछ स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। परिवार के अंदर कुछ बढ़ोतरी जैसी चीजें, कुछ सक्सेस, कुछ अचीवमेंट, इस तरह का योग आपके लिए निर्मित हो रहा है।
भाग्य का सपोर्ट, ये सारी चीजें आपके साथ बनी हुई है। पिता का जो स्वास्थ्य ये सब कुछ आपके लिए भी सपोर्टिव बना हुआ है, तो अच्छा ट्रांजिट है आपका, अच्छा जो सप्ताह है आपके लिए, मध्य पीरियड में केयरफुल रहना है। फिर मिथुन वालों के लिए बात करते हैं, तो सप्ताह का जो प्रारंभ होगा थोड़ा सावधानी के साथ में आगे बढ़ना है आपको। परिस्थितियां बहुत ज्यादा आपके अनुकूल नहीं रहेंगे, इमोशनली मेंटली आप थोड़ा अपने आप को अनफिट पाएंगे, तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा आप उसको चाहे तो आप टाल सकते हैं या बहुत सोच विचार करके करिएगा। शुरुआत आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं है, लेकिन जो मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए हर तरह से शुभता वाला रहेगा। वहां पे आपको भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा, पिता का, जो आपके भाई बहन है, जो आपके स्पेशली जो आपके छोटे सिबलिंग्स हैं, पड़ोसी वगैरह हैं, उनके साथ संबंध में आपको मधुरता देखने को मिलेगी। जिन लोगों का सेल्स मार्केटिंग का काम है, किसी भी तरह का सेल परचेज वाला काम है, सभी लोगों के लिए अच्छा टाइम पीरियड है, तो आपको उसका फायदा लेना चाहिए। वीकेंड जो रहेगा वहां पे आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं रहेंगी आपको, परिवार के अंदर वाद विवाद नहीं होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने आप को भी लेकर के थोड़ा अलर्ट होकर के रहिएगा, क्योंकि जो वीकेंड है वो आपको कहीं ना कहीं इंटरनली एक कमजोर मन स्थिति में ले जा सकता है, या आप अपने आप को इमोशनली बहुत ज्यादा लो फील करें, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि वीकेंड जो है आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से शुभ परिणाम देने का प्रयास करेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो जो आपके लिए अच्छा है। ध्यान रखने वाली जो चीजें आपके लिए है मिथुन वालों के लिए, थोड़ा सा यहाँ पर जो पूरा टाइम पीरियड है, जो आपका जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी है, जो पूरा आपका एटीट्यूड है, वो थोड़ा सा भी आपके अंदर नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी इन द सेंस कि आप अपने आप को बहुत आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, आइसोलेशन में ले जा सकते हैं, क्योंकि जो गोचर है भी आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। तो जो आप अपनी एनर्जी का यूज करिएगा वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि जीवन साथी के साथ में जो आपका संबंध है उसमें आपको एक परिवर्तन, एक मजबूती देखने को मिलेगी। भाग्य का, पिता का, इन सब चीजों का आपको सहयोग मिल रहा है। शुरुआत में और आखिर में थोड़ा सा सजग होकर के रहिएगा। कर्क वालों के लिए बात करते हैं, तो सप्ताह आपका काफी अच्छी शुरुआत लेकर के आ रहा है। आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है उसमें आपको मजबूती मिलेगी। धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे, लोगों के बीच में आपकी अलग पहचान बनना, ओवरऑल जो स्थितियां हैं शुरुआत आपके लिए काफी सपोर्टिंग है। सबसे अच्छी चीज ये रहेगी आप लोगों के लिए कि आपका जो संबंध है अपने लाइफ पार्टनर के साथ में उसमें आपको बहुत मजबूती प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। मध्य पीरियड जो रहेगा वहां पर सावधानी के साथ में आगे बढ़ना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है उस टाइम से, उस दृष्टि से समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा। कोई भी पेपर वर्क वगैरह होगा तो बहुत सावधानी के साथ में करना है, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहेंगे तो काफी देख परख करके ही आप आगे बढ़िए। अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। वीकेंड जो रहेगा वहां पर चीजें आपके सपोर्ट में आ सकती हैं, आपको भाग्य का, पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। कुछ जो आपके सिबलिंग्स है छोटे या जो आपका नेबर वगैरह है उन लोगों के साथ में संबंधों में एक मजबूती आना, जिन लोगों का टूर ट्रेवल से जुड़ा हुआ व्यवसाय है या सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी वृद्धि का ही योग रहेगा। वीकेंड जो है आपके कार्य में एक उन्नति देने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त जो कर्क वाले लोग हैं, थोड़ा सा आपको जो आपका ससुराल पक्ष है, जो आपका इन लॉज वगैरह है, उनके साथ में जो आपका संबंध है उसके प्रति आप थोड़ा सजग होकर के रहिएगा। उस दृष्टि से टाइम पीरियड उतना अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। साथ ही साथ जो आपका आपके फादर है, पिता है, पिता से संबंधित जो चीजें हैं उधर भी थोड़ा आपको अलर्ट होकर के रहना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपके लिए संयुक्त प्रभाव देने का काम करेंगी। फिर सिंह वालों के लिए बात करते हैं, तो सप्ताह का जो प्रारंभ होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी आपको। कुछ खर्चे हो सकते हैं स्पेशली जो कि आपकी हेल्थ से जुड़ करके हों, इस तरह के वो आपके निर्मित हो रहे हैं, किसी से अनावश्यक वाद विवाद नहीं करिएगा। और जर्नी वगैरह हो सकती है जो कि आपके लिए लाभ की जगह वो आपको नुकसान ही देगी, तो जर्नी अवॉइड करिएगा, क्योंकि जो यात्राएं भी होंगी हल्के फुल्के वो आपके खर्चों को ही बढ़ाने का काम करेंगे। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य से जुड़ करके कुछ खर्चे हो सकते हैं। फिर जो मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहेगा, हर एक तरह से शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। धन प्राप्ति के योग निर्मित करेगा, कार्य व्यवसाय बिजनेस इन सारी चीजों में वृद्धि के योग निर्मित होंगे, लोगों के बीच में आपकी अलग पहचान बनना, लाइफ पार्टनर के साथ में विशेष रूप से आपके संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। मध्य पीरियड आपका काफी अच्छा है। वीकेंड जो है वहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा उसके लिए टाइम पीरियड सही नहीं रहेगा, तो काफी देख परख करके लीजिएगा। स्पेशली कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीजें होंगी तो उनको बहुत सावधानी के साथ में ही आपको उस पर आगे बढ़ना है, समय उतना सपोर्टिंग नहीं रहेगा।
ओवरऑल सिंह वालों के लिए जो स्थितियां बन रही हैं वो आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि जरूर देखने को मिलेंगी। जहां पे भी आपका जॉब है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, जो भी आप करते हैं, कार्य क्षेत्र में एक वृद्धि का योग आपको मिलेगा सिंह लग्न राशि वालों के लिए। फिर कन्या वालों के लिए बात करते हैं तो आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, धन प्राप्ति के योग निर्मित करेगा। बड़े भाई बहन, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, सभी के लिए एक पॉजिटिव टाइम पीरियड रहेगा, तो उसको आपको फायदा लेना चाहिए। बच्चों के साथ में संबंधों में एक मजबूती आएगी। बच्चों से संबंधित कोई निर्णय लेना होगा तो उसके लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा है, शुरुआत अच्छी होगी। मध्य पीरियड में कुछ खर्चे आ सकते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य से जुड़े हो सकते हैं, तो आप अपने स्पेशली अपने स्वास्थ्य रखिए, ध्यान रखिए। कोई वाद विवाद वगैरह होगा तो वो आपके फेवर में जाने के योग निर्मित होंगे। हेल्थ का ध्यान रखना है, अनावश्यक वाद विवाद किसी से नहीं करिए। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए हर तरह से सपोर्टिंग है, धन प्राप्ति के योग निर्मित कराएगा। जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों में आपको एक मजबूती देखने को मिलेगी। आप अपने आप में ही काफी मजबूत स्थिति में अपने आप को पाएंगे, ये एक अच्छी स्थिति है। संतान से संबंधित जो चीजें हैं वो आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहेंगे। और आपका जो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर है उसके साथ में थोड़ा सा आपको संबंध का ध्यान रखना है। संबंध का ध्यान मतलब कि उनसे किसी तरह का वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, उस चीज के प्रति आपको केयरफुल होकर के चलते रहने की जरूरत है। और जो भी लोग किसी तरह के प्रेम संबंधों में हैं या किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए जो टाइम पीरियड है उसमें थोड़ा बहुत वो अगर चाहे निर्णय लेना, डिसीजन लेना, तो आगे बढ़ सकते हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो कुल मिलाकर ठीक टाइम पीरियड है आपके लिए। जो वीकेंड है वो आपके लिए आर्थिक दृष्टि से जो है काफी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। मध्य पीरियड में थोड़ा खर्चों के प्रति सावधान रहना है और अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। इस तरीके से जो ये सप्ताह है सबके लिए एक मिला जुला प्रभाव देगा और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित राशिफल है, तो आप इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। सिर्फ एक आइडिया लग जाती है कि कब खर्चे वगैरह आ रहे हैं या कब स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आशा कर रही हूँ कि आने वाले वीक को प्लान करने में आपको कुछ मजबूती मिलेगी और आगे मैं फिर कुछ लेकर के आती हूँ ज्योतिष से संबंधित वीडियोस। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।